इसियास नबी के ग्रंथ की अध्याय 66 वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु उन लोगों पर कृपा दृष्टि करते हैं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं। प्रभु उन लोगों पर कृपा दृष्टि करते हैं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं। जब आप प्रभु की वाणी को श्रद्धा से सुनते हैं और उसको गंभीरता पूर्वक लेते हैं तो प्रभु आप पर अपनी आशीषें बरसाते हैं। प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर इस समय मंडरा रहा है। हमारे लिए कई लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। जब भी मैं लोगों को सुनने के लिए अपने कानों को खोलता हूं तो मुझे लोगों से उनके दर्द पीड़ाओं के बारे में सुनने को मिलता है। कोई कहता है कि मेरे परिवार में शांति नहीं है, कोई कहता है कि मैं जीवन में परिश्रम करता हूं लेकिन उसके मुताबिक मुझे सफलता नहीं मिलती है, कोई कहता है कि मेरे मन में शांति नहीं है, मैं बेचैन रहता हूं, रात को सो नहीं पाता हूं। इस प्रकार की कई समस्याएं, जितने इंसान उतनी समस्याएं, लेकिन इन सारी समस्याओं के पीछे जो समस्या है इसके बारे में शायद ही किसी को अंदाज होगा। लोग अपने जीवन की समस्याओं को जो बाहर हैं देखते हैं लेकिन अंदर की समस्याओं को नहीं देखते हैं। आपने जो पढ़ने वाले लड़के लड़कियां और पढ़े हुए लोग हैं, आप जानते हैं कि संसार के दुनिया के उन भागों में जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वहां पर नदियों और समुद्रों में बर्फ हुआ करते हैं, बर्फ का पहाड़। लेकिन पहाड़ बाहर से दिखता है, बर्फ का पहाड़ छोटे छोटे जैसे टेले जैसे, लेकिन ऊपर से हमें थोड़ा ही दिखाई देता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में आइसबर्ग कहते हैं। लेकिन अगर आप उसको उठाने का प्रयास करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बाहर थोड़ा दिखाई दे रहा था लेकिन वो नीचे तो बहुत बड़े पहाड़ की तरह है। उसी तरह हमारे जीवन में भी है, लोगों को अपनी समस्याएं ही दिखाई देती हैं लेकिन उसके नीचे जो समस्या है, जो सभी समस्याओं की समस्या है, उसको बहुत कम लोग जानते हैं और देखते हैं। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में भी ईश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया। इतना ही नहीं, ईश्वर ने कहा कि सब कुछ अच्छा है, ईश्वर को अच्छा लगा। लेकिन वही बाइबल ये भी हमें सिखाती है कि ईश्वर की बनाई हुई अच्छी सृष्टि को मनुष्य के पाप ने बिगाड़ दिया। रोमी अध्याय 3 वाक्य 23 में लिखा हुआ है, सबने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। सबने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया, उत्पत्ति 1 अध्याय वाक्य 26-27 और प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23-24। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, यानी हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। आप और मैं ईश्वर के प्रतिरूप हैं, दूसरा रूप, यानी हमें देखकर लोगों को ईश्वर की याद आनी चाहिए। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वास्तविकता इस सत्य से कितना दूर है, हमारी दशा क्या हो गई है।
पवित्र वचन में बताता है कि मनुष्य के पाप ने मनुष्य को बिगाड़ दिया। कुछ दिनों से मैं एक बात पर गहरा मनन चिंतन कर रहा हूं और वो बात यह है कि पाप कितना विनाशकारी है, पाप कितना विनाशकारी है। लोगों को इसका पता नहीं है। मैं दो तीन उदाहरण दूंगा। ईश्वर ने आदम और हेवा को सृष्टि किया और अदन बगान के मालिक बनाया, कहा कि तुम इसके मालिक हो। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं कि आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पल भर में उनका रूप और स्वभाव बिगड़ जाता है और ईश्वर उनको उसी बगान से बाहर करता है। सामुएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं राजा दाऊद के बारे में। राजा दाऊद के बारे में सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, जब सामुएल ने दाऊद का अभिषेक किया तो पवित्र आत्मा शक्तिशाली रूप से दाऊद पर उतरा और दाऊद ईश्वर को प्रिय राजा बना और इसराइल का यशस्वी राजा बना, जिसने 40 साल तक इसराइल पर शासन किया। लेकिन सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में पढ़ते हैं कि सामुएल दाऊद ने पाप किया और पाप का कितना भयानक नतीजा उसको भोगना पड़ा, पाप का कितना बड़ा नतीजा उसको भोगना पड़ा। वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद का एक पुत्र अपनी बहन के साथ बलात्कार करता है, दूसरा पुत्र इस पुत्र को मार डालता है और वही पुत्र अब्सलोम अब दाऊद के खून के पीछे खून के लिए दौड़ा रहा है और इसराइल का यशस्वी राजा दाऊद को अपना राज्य सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। आगे आप पढ़ेंगे इसराइल के इतिहास में दाऊद के पाप के बाद पूरा इसराइल विभाजित हो जाता है, दो राज्यों में बढ़ जाता है, एक दूसरे के विरुद्ध हो जाता है। कितना बड़ा विनाश, पाप कितना विनाशकारी है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 4 में आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4 में, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। मैं अक्सर सोचा करता था कि पाप के द्वारा हम ईश्वर को और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पाप के द्वारा हम अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। इस्याश नबी अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु कहते हैं, मैं तुमको कहां पर मारूं, तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे, तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है और तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक चोटों से भरा हुआ है। पाप मनुष्य को हर स्तर पर मारता है, पाप मनुष्य को हर स्तर पर मारता है, उसके मस्तक पर, उसके दिमाग पर, उसके हृदय पर और उसकी आत्मा और उसके शरीर पर मारता है। पाप कितना भयानक है, पाप कितना विनाशकारी है। आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में स्तोत्र 38 उसके वाक्य 19 में, स्तोत्र 38 उसके वाक्य 19 में लिखा गया है, स्तोत्रकार कहता है, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हो गया हूं, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हो गया हूं। पाप हमारे अंदर बेचैनी उत्पन्न करता है। अब भी मुझे याद है उदयपुर धर्म प्रांत में इसी तरह की एक सभा चल रही थी, एक जंगल में, मतलब एक पल्ली में सभा चल रही थी, काफी बड़ी भीड़ थी, खुली जगह पर, शाम का समय था। उस दिन पाप के बारे में बोला जा रहा था और शाम के समय एक जवान आदमी वहां दूर से दौड़ के आता है चिल्लाते हुए, मैं पाप स्वीकार करना चाहता हूं, मैं पाप स्वीकार करना चाहता हूं।
पाप मनुष्य को बेचैन कर देता है। स्तोत्रकार कहता है मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 13:21, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13:21 में पढ़ते हैं, विपत्ति पापी का पीछा करती है, विपत्ति पापी का पीछा करती है। पाप करने के बाद हम जहां कहीं भी जाएंगे विपत्ति हमारा पीछा करती रहेगी। नबी योना ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करते हुए नीनवे ना जाकर उल्टी दिशा में जा रहा था, लेकिन जिस जहाज में वो जाके बैठा था, वो जहाज जिस समुद्र से गुजर रहा था, वहां पर ईश्वर ने तूफान भेजा। हम वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर का विद्रोही, ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करने वाला जोना उस जहाज में था, इसलिए ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा, एक ऐसा भयानक तूफान कि वो जहाज डूबने डूबने को हो गया। विपत्ति पापी का पीछा करती है। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 उसके वाक्य 15 में प्रभु का वचन कहता है, जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वह चिकित्सक के हाथों पड़ेगा। जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वह चिकित्सक के हाथों पड़ेगा। 3 साल पहले हमारे आश्रम में एक जवान लड़की आई थी, 28 साल की लड़की, उसने MBBS किया था, ईसाई लड़की। वह निर्णय लेना चाहती थी कि मैं भविष्य में क्या करूं, विवाह करूं या अविवाहित रहूं। एक महीना वो आश्रम में थी, उस समय उसने अपने जीवन के कुछ रहस्यों को मेरे सामने रखा। उसने कहा कि स्वामी जी, आप जानते हैं, जब मैं अपना MBBS कर रही थी उस समय मेरी दोस्ती अपने एक दोस्त से हुई, एक लड़के से हुई, और हम लोग पापमय जीवन जी रहे थे। अविवाहित होते हुए भी हम विवाहित जैसे जीवन जी रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि जैसे जैसे मेरा पाप बढ़ता जा रहा था मेरा शरीर भी सूझता जा रहा था, और इस कदर कि मेरा शरीर सूझ गया कि लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। मैं हैरान हो गई। डॉक्टरों को दिखाने से डॉक्टरों ने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको हाइपर आर्थराइटिस हो गया है, आपको विश्राम करना है। और इस प्रकार 1 साल भी चला गया, पढ़ाई गई, उसके माँ बाप का पैसा गया, गरीब परिवार की लड़की थी, और ऐसी अवस्था में उसके कुछ दोस्त उसको पकड़कर इसी प्रकार की जहाँ पे साधना चलती है ऐसे साधना केंद्र में ले गए। और उस बहन ने कहा, उस बेटी ने कहा कि मैं साधना में प्रवेश की मैंने, और मैं साधना में वचन सुनती गई, मैं सुनती गई, मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, मेरी आंखों के सामने मेरे पाप एक चलचित्र की तरह दिखाई दे रहे थे। और उसने कहा कि साधना समाप्त होने से एक दिन पहले उसने जाकर एक फादर के सामने अपने पापों को स्वीकार किया, पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण किया। उस बहन ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, आप विश्वास करेंगे, उस पाप स्वीकार के तुरंत बाद से मेरा शरीर जो सूझ गया था पचकने लगा, और मेरा शरीर 2 दिन में पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। वचन कहता है जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वह डॉक्टर के वैद्य के हाथों पड़ेगा। स्तोत्र 107 उसके वाक्य 17 में आप पढ़ेंगे, स्तोत्र 107 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, कुछ लोग अपने कुकर्म के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। हमारी कई बीमारियां हमारे पापों के चलते आ सकती हैं। प्रभु का वचन स्पष्ट है, प्रभु कहते हैं कुछ लोग, जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु ये नहीं बताते हैं कि वे सभी अपने पापों के कारण बीमार हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कुछ लोग अपने कुकर्म के कारण बीमार पड़ गए हैं। मैं कहूँगा आज बहुत से लोग अपने पापों के कारण ही बीमार पड़े हुए हैं। यौन के सुसमाचार के अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे, यौन का सुसमाचार अध्याय 5, प्रभु येसु यरूशलेम मंदिर के पास जो कुंड था जिसका नाम था बेतसदा, उस कुंड के पास चले जाते हैं। माना जाता था कि उस कुंड में कभी ना कभी कोई स्वर्गदूत उतरता था, पानी को हिलोर देता था, और जो भी रोगी उस समय उस पानी में उतरता था वो चंगा हो जाता था। इसलिए उस कुंड के चारों ओर बहुत सारे रोगी पड़े हुए थे।
प्रभु येसु वहां पे भ्रमण करते हैं और एक ऐसे रोगी के पास आकर खड़े हो जाते हैं जिसके विषय में लिखा है कि वो 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था। वो भी अर्धांग रोगी था जिसका शरीर सूख गया था। वो 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था। प्रभु येसु ने उसके पास जाकर उससे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने कहा कि मुझे पानी तक पहुंचाने के लिए कोई नहीं है। प्रभु ने उससे कहा कि अपने चारपाई उठाकर घर चले जाओ, और उसी वक्त वो चंगा हो जाता है। आप सोचिए, 38 साल के बाद अगर कोई रोगी चंगा होकर चलने लगे तो क्या इधर उधर देखेगा? मैं सोचता हूँ कि वो सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। लोगों ने उससे पूछा कि किसने तुम्हें चंगा किया? उसने कहा, मैंने नहीं देखा, एक आवाज़ सुनाई दी, किसी ने कहा कि अपनी चारपाई उठाकर चले जाओ, और मैंने उसके आदेश का पालन किया। बाद में प्रभु येसु उसे मंदिर में पाते हैं। यौहन का सुसमाचार अध्याय 5:14 में आप पढ़ेंगे, प्रभु येसु उस रोगी को मंदिर में पाते हैं जो चंगा हुआ था, और प्रभु उसके पास चले जाते हैं और उससे एक बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं? सुनो, देखो, तुम चंगे हो गए हो, आगे पाप नहीं करना, वरना इससे भी बड़ा संकट तुम पर आ पड़ेगा। जरा सोचिए, 38 साल से जो पड़ा हुआ था, इससे बड़ा कौन सा संकट आ सकता है? यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि पाप हमारे जीवन में कितना बड़ा संकट ला सकता है। पाप का स्वभाव ही विनाशकारी है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम पाप करेंगे तो ईश्वर हमको मारेगा, दंड देगा। बिल्कुल नहीं, ईश्वर दयालु है, लेकिन पाप का स्वभाव विनाशकारी है। जिस तरह बम का स्वभाव विनाशकारी है, बम फट जाता है, जो भी उसके बगल में है उसको उसका विनाश होता है, उसी तरह पाप का स्वभाव ही विनाशकारी है। जब हम पाप करेंगे उसका नतीजा हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि वो विनाशकारी है, वो हमारे जीवन में विपत्तियां लाता है, हमारे जीवन में समस्याएं लगता है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15:27, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15:27 में कितना सुंदर वचन है, वहां पे लिखा हुआ है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला व्यक्ति अपने घर को संकट में डालता है। पाप की कमाई एकत्र करने वाला व्यक्ति अपने घर को संकट में डालता है। तो हमारे जीवन की समस्याओं का एक मुख्य कारण हमारे ही पाप हैं। सवाल ये खड़ा होगा, हमें क्या करना होगा? वचन में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया, आपने, मैंने, सबने पाप किया, और सभी पाप का नतीजा भोग रहे हैं। इसका जवाब हमें मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1:14-15 में मिलता है। मार्कुस के अनुसार प्रभु येसु मसीह का पहला प्रवचन ये था, वो क्या है? समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु येसु का वचन ये था कि सबसे पहले समय पूरा हो चुका है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद समय पूरा हो चुका है नहीं है, बल्कि उसका अनुवाद यह है, द आवर हैज कम, यानी वह घड़ी आ पहुंची है, यह वो समय है, वह समय है जब ईश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे करीब आ गया है। तुम्हें उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह कहीं आसमान पर नहीं है, वह किसी पहाड़ पर नहीं है, बल्कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, और कृपा का समय आ गया है, और यही वो कृपा का समय है। कल नहीं, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए कल है या नहीं, आज यही समय कृपा का समय है। ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, जिसकी तू कामना कर रहा है, जिसके लिए तू बराबर प्रार्थना कर रहा है। प्रभु, मेरे परिवार में शांति नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे परिवार में सफलता नहीं है, मेरे परिवार में प्रेम नहीं है, वह प्रेम, शांति, न्याय का वो राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, क्या तुम उसका आस्वादन करना चाहते? क्या तुम उसका अनुभव करना चाहते? तो येसु कहते हैं, तुम्हें दो काम करना होगा। सबसे पहले तुम्हें पश्चाताप करना होगा, दूसरा तुम्हें सुसमाचार पर विश्वास करना होगा। तो प्रभु हमारे सामने दो बातें रखते हैं,
प्रभु कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे और तुम्हारे जीवन के और तुम्हारे परिवार के जीवन में आए। तुम्हें दो काम करना है। सबसे पहले तुम्हें पश्चाताप करना है, दूसरा है सुसमाचार में विश्वास करना। सबसे पहले प्रभु कहते हैं ईश्वर के राज्य का अनुभव करने के लिए तुम्हें पश्चाताप करना होगा। लेकिन आधुनिक इंसान पश्चाताप करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग ये विश्वास नहीं करते कि हम पाप किए हैं। बड़े मजे की बात है, मनुष्य आज पाप के नतीजे का अनुभव कर रहा है, लेकिन इस तरह जी रहा है कि मानो वो फरिश्ता है, वह स्वर्गदूत है, उसने कभी पाप नहीं किया है। राजा दाऊद का उदाहरण लीजिए। राजा दाऊद ने पाप किया। क्या पाप किया? अपने ही सेना के एक सैनिक ऊरिया, उसके पत्नी के साथ व्यभिचार किया। जब दाऊद को पता चला कि उसके गर्भ में उसका बच्चा है, उसको छिपाने के लिए उसने उसके पति को मरवा डाला। व्यभिचार और हत्या, दो गंभीर पाप, और उस नारी को अपनी पत्नी बनाया। इतना सब होने के बाद दाऊद इस तरह जी रहा था मानो उसने कुछ नहीं किया। उसने सोचा कोई नहीं जानता है, वो इस तरह जी रहा था मानो उसने कुछ नहीं किया, जब तक कि नबी नाथान उसके पास ना आए और कहा कि तुमने पाप किया है। तब उसने छाती पीटा और कहा प्रभु मैंने पाप किया, मुझ पर दया कर। आधुनिक इंसान भी इसी तरह जी रहा है, पाप में जी रहा है, पाप का नतीजा भी अनुभव कर रहा है, लेकिन अपने पाप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अरे आधुनिक इंसान की क्या बात कहें, आदम और हेवा की बात लीजिए। आदम और हेवा ने पाप किया, अपराध किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और ईश्वर वही दयालु परमेश्वर आदम और हेवा को बचाने के लिए, उनके पाप के कलंक से छुड़ाने के लिए उनके पास आता है और कहता है कि आदम तुम कहाँ हो। आदम ने कहा कि हम लोग छिप गए हैं, हम लोग पेड़ के पीछे खड़े हैं। क्यों, ईश्वर ने पूछा? उसने कहा क्योंकि हम नंगे हैं। ईश्वर ने आदम से पूछा क्या तुमने वो फल खाया जो मैंने तुमको खाने के लिए मना किया था? आदम ने क्या कहा, क्या उसने स्वीकार किया? आदम ने कहा मैंने थोड़ी खाया, वो जो हेवा है ना जिसको तूने बना के मेरे सामने ले आया था, उसने मेरे मुंह में वो फल ठूस दिया था। आदम ने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया। ईश्वर हेवा की ओर मुड़ता है, उससे पूछता है क्या तुमने वो फल खाए जो मैंने खाने के लिए मना किया था? उसने कहा मैंने कहाँ खाया, तूने जो सर्प को बनाया ना उसने तोड़ा और मेरे मुंह में डाल दिया और मैं निकल गई। अपने पाप को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जबकि वे पाप का नतीजा भोग रहे थे और पेड़ों के पीछे खड़े थे। कितना सुंदर प्रतीक है ये, आप और मेरा प्रतीक है। अब देखिए, उसका बेटा काइन, काइन ने हाबिल की हत्या की, ईश्वर ने देखा, लेकिन वही ईश्वर दयालु परमेश्वर काइन के पास आता है क्या के लिए? ताकि उसको उसके पाप के कलंक से बचाए। और काइन से पूछता है, कितना विनम्र ईश्वर है हमारा, पूछता है बेटा काइन तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? मानो ईश्वर को कुछ नहीं मालूम है, इतनी नम्रता पूर्वक, इतनी दयालुता पूर्वक ईश्वर ने काइन से पूछा तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? क्या वो समय था काइन के लिए कि अपना छाती पीट कर ये बोले हे ईश्वर मुझ पर दया कर? लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, अपने पाप को स्वीकार नहीं किया। उसने पूछा क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यौहन का पहला पत्र अध्याय एक वाक्य आठ, यौहन का पहला पत्र अध्याय एक वाक्य आठ में लिखा हुआ है। यौहन लिखते हैं यदि हम कहें कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में कोई सत्यता नहीं है। यदि हम कहें कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में कोई सत्यता नहीं है। इशयास नबी अध्याय 30 उसके वाक्य 15 में लिखा हुआ है। इशयास अध्याय 30 वाक्य 15 में प्रभु का वचन कहता है पश्चाताप
और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। कई लोग पाप के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं तो पुरानी बात है, आप लोग पाप के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक पाप की स्वीकृति नहीं होती है, पश्चाताप नहीं होता है, आपके जीवन में ईश्वर का राज आ ही नहीं सकता है। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 28 वाक्य 13, सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। लेकिन अगले वचन में क्या लिखा हुआ है, वाक्य 14 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो अपने पाप को प्रकट करेगा और उसका परित्याग करेगा उस पर दया की जाएगी। पहला योहन अध्याय 1 वाक्य 9 में लिखा हुआ है, यदि आप पाप स्वीकार करेंगे तो ईश्वर दो काम करेगा, सबसे पहले आपके पापों को क्षमा करेगा, दूसरा है आपको अधर्म से छुड़ाएगा। हाथ खोलिए, आंखें मंद कीजिए। मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है, आप और मेरा सबसे बड़ा बोझ है, पाप से अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, रोग, पीड़ा, शांति, बेचैनी। प्रभु यीशु एकमात्र व्यक्ति जो हमें पाप से छुड़ाने इस संसार में आए, जब हम उस पर विश्वास करेंगे, उसके बलिदान पर विश्वास करेंगे और अपने पापों के लिए क्षमा याचना करेंगे, सच्चा पश्चाताप करेंगे, हमारे जीवन में एक नया आयाम शुरू होगा, एक नया दिन शुरू होगा, एक नया जीवन शुरू होगा, हमारा अतीत मिट जाएगा, पुरानी बातें मिट जाएंगी, सब कुछ नया बनाया जाएगा। उसके लिए हमें पश्चाताप करना है और मुक्तिदाता यीशु पर विश्वास करना है। एक दो पल के लिए मौन होकर यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। बोलिए, यीशु मैं पापी हूँ, मैं पाप में गिर गया हूँ, मेरा जीवन पापमय हो गया है, पाप का नतीजा मैं अपने जीवन में और परिवार के जीवन में महसूस करता हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मुझे पाप के कलंक और दलदल से बाहर ला सकता है, तू ही मुझे अनंत जीवन के योग्य बना सकता है। हे यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, उस पर दया करना,